सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज के इस ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे पाठ 4 संज्ञा। संज्ञा के अंतर्गत संज्ञा के प्रकार जातिवाचक संज्ञा। किसी संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बिल्ली, सड़क, पुस्तक आदि। जातिवाचक संज्ञा की कुछ पहचान है, उसको हम पहचानेंगे कैसे, दिया हुआ यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहला, स्थानों के नाम। जितने भी स्थान हैं उन स्थानों के नाम जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे घर, बाग, जंगल आदि। दूसरा है जानवरों के नाम। जितने भी जानवर हैं उन जानवरों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे कुत्ता, हाथी, गाय आदि। तीसरा है वस्तुओं के नाम। जो भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के नाम जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे पुस्तक, मेज, कलम आदि। तीसरा प्रकार है समुदायवाचक। समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा को हम समूहवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। समुदायवाचक संज्ञा, इसको हम समूहवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। जिस संज्ञा शब्द से, समुदायवाचक संज्ञा की परिभाषा देखेंगे, समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ध्यान देंगे। जिस संज्ञा शब्द से किसी समुदाय, समुदाय का तात्पर्य समूह से है, झुंड से। जिस संज्ञा शब्द से किसी समुदाय, किसी समूह या झुंड का बोध हो उसे हम समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुच्छा, सेना, टीम आदि। यहाँ स्पष्ट है कि सेना, टीम, गुच्छा ये समूह हैं। जब समूह का बोध हो तो वहां पे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा, क्योंकि समूह में कई व्यक्ति होते हैं, कई वस्तुएं होती हैं, तो वह आपका समुदायवाचक या समूहवाचक का रूप ले लेता है। चौथा आपका है पदार्थ वाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थ यानी जिस पदार्थवाचक संज्ञा को हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ध्यान देंगे, पदार्थवाचक संज्ञा को हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। यानी जिस शब्द से, जिस शब्द से किसी पदार्थ, द्रव्य आदि का बोध होता है उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, लकड़ी आदि। आज की इस कक्षा में बस इतना ही। जो भी आपको बताया गया, चाहे वह जातिवाचक संज्ञा हो या समुदायवाचक या फिर पदार्थवाचक संज्ञा, इन सबको आप जो है कॉपी पर जो है लिखेंगे और सुंदर लिखेंगे, ताकि आपकी कॉपी आपके अभिभावक या जो भी देखें उसको जो है कोई दिक्कत परेशानी न हो समझने में, और जो भी आपको समझाया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है, उसको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।